ग्वालियर में एयरफोर्स कर्मचारी का बेटा सर्पदंश का शिकार हो गया। सरकारी क्वार्टर में सांप के काटने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बारिश के मौसम के दौरान ग्वालियर में सर्पदंश के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ताजा मामला एयरफोर्स स्टेशन का है, जहां पदस्थ आनंद चौबे कैंपस के सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। उनका 10 साल का बेटा घर में ही सो रहा था, वो रात के वक्त वॉशरूम गया। इस दौरान एक जहरीले सांप ने उसके पैर में काट लिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर उसके परिजन उसे शहर के एक प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये पूरा मामला महाराजपुरा थाना क्षेत्र का है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में एक एयरफोर्स कर्मी है, उनका बच्चा 10 साल का बच्चा था, टॉयलेट गया था, टॉयलेट में जो है पीछे से सर्प ने काट लिया। जैसे ही उसे काटा, उसको परिजन जो है इलाज के लिए बिरला हॉस्पिटल ले गए। इलाज के दौरान 10 वर्षीय बच्चे की डेथ हो गई। डेथ पर से जो है मर कायम कर उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जांच पर से जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये भी बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ उनके परिजन के साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।